हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सभी लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने सोचा आज अपने बीते हुई कहानियां बताएं, जिससे कि मैं टूर जहाँ जहाँ भी शादी होने के बाद टूर पे गई। और तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपने बीते हुए कल को बताऊं। जहाँ जहाँ घूमा मुझे याद आता है आज भी कि मैं घूमती माँ घूमी थी, नैनी झील घूमी थी और नैना देवी मंदिर है वहाँ घूमी थी। तो दोस्तों पता क्या हुआ, हम लोग यहाँ से घर से निकले 11 बजे। तो 11 बजे निकले, शाम को 5 बजे पहुंचे जाके नैनीताल। तो शाम होते ही 5 बजे के टाइम हल्द्वानी में घुस गई थी। और जैसे ही मैं हल्द्वानी में घुसी तो इतना अच्छा वहां का मौसम वातावरण था, जो देखते ही इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रहो, अब अपना घर नहीं है, सब यहीं पर है। इतना अच्छा लगा मुझे वहां। मुझे काफी पहाड़ देखने को मिलते गए और मौसम एकदम ठंडा होने लगा। तो काफी ठंड सी लगने लगी थी कार में, तो मैंने कहा मैं तो स्वेटर लाई हूँ, बट मेरे रिपकेस में रखे थे स्वेटर वगैरह। तो मेरी ननद गई थी साथ में और मैं, हस्बैंड, मेरे देवर जी, इतने लोग गए थे। तो हम लोगों को बहुत सर्दी लगी, तो मैंने भाई अपना फिर निकाला सामान बैग से, फिर स्वेटर वेटर पहना। और फिर नैनी झील है जो बड़ी सी है, नैना देवी में है जो, तो फिर मैंने वहां पे कार पार्किंग की, तो वहां से स्वेटर वगैरह निकाले, फिर पहन के फिर मैंने होटल बुक किया। हम लोगों ने रात में होटल बुक किया, खाना खाया। और फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, अब कहाँ घूमूं रात को। तो फिर हमारे हस्बैंड जी बोले कि अभी नहीं, सुबह घूमते हैं, चार भी घूमेंगे, अभी रात हो गई है। फिर कुछ भी नहीं, फिर होटल बुक करके फिर खाना खाने आ गई होटल में। तो खाना खाके फिर रेस्ट किया। काफी घूम चलते चलते ना घूम लग गई थी एकदम से, मतलब घूमा आ गया था मुझे, तो बहुत थक से गए थे। तो फिर जब सुबह हुआ फिर हम लोगों ने ये सोचा कि कहाँ चलें। तो सबसे पहले हस्बैंड बोले कि जहाँ आपने बताया था वहां लेके आए हैं आपको, अब आप बताइए कहाँ घूमना है। तो मैंने कहा पहले तो चलो नैना देवी। तो भाई नैना देवी में प्रसाद चढ़ाया हम लोगों ने, और प्रसाद चढ़ा के फिर इतनी बड़ी झील, फिर इन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि आपको वोटिंग करना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वोटिंग नहीं करनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने जैसे ही झील देखी तो बहुत बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं वो ऊपर से आ रही थी। तो मैंने कहा मैं भाई नहीं जाऊंगी, मुझे वोटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, आप वोटिंग से डरती हो, कोई बात नहीं। फिर मैं खड़ी रही, फोटो अपना वहां सारी फोटो खींचे, वीडियोस बनाए, और फिर हम लोगों ने पता फोटो भी खींचे, बहुत अच्छे फोटो है मेरे पास फोटो भी है नैना मंदिर के और नैनी झील के, दोस्तों आपको दिखाएंगे भी। और तो पता क्या हुआ, वोटिंग देख रहे थे हम लोग, काफी लोग वोटिंग कर रहे थे, तो देखते तो मजा आता है लेकिन मुझे काफी डर लगता है पानी से, इसलिए फिर वोटिंग नहीं की। फिर इन्होंने बोला कि अब कहाँ चलना है, तो मैंने कहा कैची धाम चलो, इतनी दूर से आए तो कैची धाम के लिए नाम से ही तो मैं गई थी, क्योंकि मुझे बाबा जी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि पहले ये बताइए कि शादी हो गई आपको घूमना कहाँ है। तो मैंने कहा कि मुझे कैची धाम चलना है, बाकी इन्होंने ये भी कहा कि चलो कहीं हिमाचल पे चलते हैं। मैंने कहा हिमाचल मुझे बाद में ले चलना, लेकिन नैना देवी और मुझे नैनीताल की तो बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी जाने की मेरी, बट हो तो पूरी गई है, हमारे हस्बैंड ने की है। तो मैंने यही सोचा कि चलो नैनी झील घूमते हैं, कैची धाम। तो वहां से मैं सुबह 10 बजे होटल खाली कर दिया था। फिर होटल खाली किया तो भाई पहुंचे कम से कम 20, नैना देवी से और कैची धाम का रास्ता है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर दूरी पे कम से कम 1 घंटा लग गया था हम लोगों को पहुंचने में, मतलब कैची धाम में। तो भाई कैची धाम का नजारा जैसे ही पहुंची इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, काफी मन ऐसा लग रहा था कि बस बाबा के शरण में ही रहूं, अब घर नहीं जाऊं, ये लग रहा था, ये समझ लो। तो फिर भाई हम लोगों ने दूर से देखा, भाई मंदिर आता गया, तो देखा मैंने काफी भक्तों की भीड़ लगी थी, और कोई, हाँ, कोई बाहर खड़ा था, कोई प्रसाद खरीद रहा था बाबा जी का, कोई कंबल खरीद रहा था, और काफी बंदर भी बहुत थे।
तो बाबा जी, तो बाबा जी हनुमान का तो अवतार, हनुमान बाबा का तो अवतार ही है वैसे भी, तो काफी बंदर थे वहां। बंदर को मैंने बिस्किट खिलाए, बिस्किट भी खिलाए, बिस्किट बहुत सारे उन्होंने खाए भी। फिर वो कूदते रहे पानी में, बहुत नहाए, तो हम लोग ये देखते रहे। फिर इन्होंने बोला कि चलो अब अंदर दर्शन करते हैं बाबा जी के। तो फिर भाई हम लोग अंदर चले गए दर्शन करने के लिए बाबा जी के। और क्या कहते हैं, फिर दर्शन किए, दर्शन अंदर गए बाबा जी के, दर्शन साक्षात दर्शन हुए काफी अच्छे से। पंडित जी ने हम लोगों को कराए, हमने कंबल जो बोल रखा था बाबा जी को चढ़ाने के लिए, तो मैंने कंबल भी चढ़ाया बाबा जी को। तो बाबा जी ने, पंडित जी ने कंबल चढ़ा के मुझको वापस दे दिया था, उनको मतलब छुला के दे दिया था कि लो अपने घर ले जाओ। तो मैंने रख लिया था, फिर वो घर पे ले आई, मैंने अपना रख लिया, अच्छे से रख लिया है, बाबा जी का प्रसाद है वो। तो फिर वहाँ सारी जगह बाबा जी से हाथ जोड़ के प्रेयर की कि हमारी जो भी मनोकामनाएं हमने मांगी है प्रभु पूरी करना बाबा जी, क्योंकि हम उन्हें तो बहुत ज्यादा सच्चे दिल से ही मानते हैं बाबा जी को, तो हम और मेरे हस्बैंड जी। तो फिर दर्शन करके फिर किताबें मिलती हैं, पंडित जी किताबें देते हैं, तो पंडित जी ने किताबें दी। फिर हम लोगों ने 1 घंटे किताबें पढ़ी कम से कम। तो ये लग रहा था मन में कि मेरे काफी भाव आ रहे थे बाबा जी के नाम से, कि इनमें बहुत ज्यादा सच्चाई है बाबा जी में, मतलब कि इनकी जो भी है सच्चाई वो साक्षात है सच्चाई बाबा जी की, नीम करोली बाबा जी की। तो काफी भक्त पढ़ रहे थे लाइन लाइन से, तो हम लोग भी बैठ गए, पढ़ते रहे धूप में बैठ के। फिर जब वो लोग ये बोलते हैं कि मतलब पूरी किताब को बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए, शुरू से लेके एंड तक पूरी मतलब पूरी पढ़ो, तो हम लोगों ने पूरी पढ़ के तब दी पंडित जी को। तो भाई पंडित जी को देकर फिर हम लोगों ने वहां से किताबें भी खरीदी बाबा जी की, और प्रसाद भी खरीदा बाबा जी का। फिर जब निकले वहां से दर्शन करते हुए, तब कोई भी सामान अच्छा लगा तो उसको भी हम लोगों ने खरीदा। फिर बाहर के नजारों से हम लोगों ने काफी शूटिंग की और ब्लॉग भी बनाए वहां, दोस्तों बहुत अच्छा लगा। पहाड़ देखते हुए तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, मन ये कर रहा था बिल्कुल भी ना जाए घर पे, बाबा जी के यहीं पर रहें और यहीं पर अपनी जिंदगी सारी काटें, इतना अच्छा लग रहा था। तो ऐसे करते करते फिर हम लोगों ने कहा कि अब कहाँ चलते हैं, तो इन्होंने कहा आप चलोगे तो काफी दूरी मतलब दूर दूर है। फिर वो क्या कहते हैं, फिर रास्ते में मैंने कहा कि चलो चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर तो बंद मिला हमको, तो चिड़ियाघर नहीं जा पाई। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो अब घर चलते हैं, इससे तो अच्छा है। तो हमने कहा चलो भाई घर चलते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरा बताइए। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।